सो अब हम स्टैक के एप्लीकेशंस देखने वाले हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन जो है वो है चेकिंग वेदर द स्ट्रिंग इज़ अ पैलिंड्रोम और नॉट। सो स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है या नहीं ये हम चेक करेंगे बट विद द हेल्प ऑफ स्टैक। सो अब पैलिंड्रोम स्ट्रिंग जिन लोगों को नहीं मालूम उन्हें बता देता हूँ कि ऐसे स्ट्रिंग्स जो कि अगर आप रिवर्स करो तो सेम टू सेम हो, जैसे कि ये नमन अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिखेंगे सो NAMAN ही होगा, यानी NAMAN। तो ऐसे स्ट्रिंग्स जिनका नॉर्मल मतलब जो स्टार्ट टू एंड एज वेल एज एंड टू स्टार्ट दोनों ही ऑर्डरिंग्स जो हो वो सेम हो या जिन्हें रीअरेंज करने के बाद सेम टू सेम आ रहा हो, उन्हें ऐसे स्ट्रिंग्स को हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पे एग्जांपल नमन है, और भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, एना। सो या सी इसका रिवर्स अगर करेंगे सो ANNA, सो अगेन एना ही आएगा। सो ये जो है ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। सो अब स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं ये अब हम चेक करेंगे बट विद द हेल्प ऑफ स्टैक। नाउ सी प्रोसीजर क्या है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी स्ट्रिंग को हमें चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं, हम सबसे पहले उसके हर एक कैरेक्टर, कैरेक्टर से मतलब हर एक लेटर, जैसे अब यहाँ पे नमन है सो एन एक कैरेक्टर है, ए एक कैरेक्टर है, एम एक कैरेक्टर है, ए एक कैरेक्टर है, एन एक कैरेक्टर है। सो हर एक कैरेक्टर से हम ट्रैवर्स करेंगे और उसे क्या करेंगे, स्टैक में पुश कर देंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, जितने भी स्टैक स्टैक के एलिमेंट्स उन्हें हम क्या कराएंगे, पॉप कराएंगे। सो वो मैं आपको एग्जांपल्स के साथ ही समझाता हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। सो हम इसके हर एक कैरेक्टर से ट्रैवर्स करेंगे और इसे क्या करेंगे, स्टैक में पुश करेंगे। सो पहला कैरेक्टर एन है सो उसे हमने स्टैक में पुश कर दिया। फिर दूसरा कैरेक्टर ए है सो उसे हम स्टैक में पुश कर देंगे। तीसरा कैरेक्टर एम है सो उसे हम स्टैक में पुश कर देंगे। और ऐसे ही हम ए एज वेल एज एन को क्या कराएंगे, पुश करा देंगे स्टैक में। नाउ सी अब अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा सो बेसिकली ये जो लास्ट कैरेक्टर हम लोगों ने जो स्टैक में डाला है वो क्या है, हमारा स्ट्रिंग का एकदम लास्ट कैरेक्टर, बराबर। सो जो करंटली स्टैक का जो टॉप है वो बेसिकली किसे पॉइंट कर रहा है, स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है। सो अब अगर हम यहाँ पे पॉप कराते हैं, अब मैंने आपको स्टैक वाले वीडियो में बताया था कि जो पॉप मेथड होता है वो बेसिकली क्या करता है, जो टॉप में मतलब जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है उससे वो क्या करता है, पॉप करता है। सो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से पॉप अभी मैं अगर पॉप मेथड कॉल करूँगा सो यहाँ पे ये क्या पॉप होएगा, इस टैग से एन पॉप होएगा। ओके फिर उसके बाद में अगेन अगर मैं पॉप मेथड को कॉल करता हूँ सो क्या पॉप आउट होएगा, ए पॉप आउट होएगा। अगेन पॉप को कॉल करूँगा तो एम, और अगेन पॉप को कॉल करूँगा तो ए, एंड लास्ट में अगेन पॉप को मैं कॉल करूँगा सो एन। सो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि अगर हम स्टैक को पॉप आउट करवाएंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स को अगर हम स्टैक से पॉप आउट करवा देते हैं, यानी पूरा का पूरा जो स्टैक है उसको अगर हम खाली कर देते हैं, एम्प्टी कर देते हैं, सो अब यहाँ पर पॉप करा के कॉन्केटिनेट करने के बाद हमें जो भी स्ट्रिंग मिला है ये बेसिकली क्या है, इस स्ट्रिंग का रिवर्स है। ओके तो स्टैक का मेन पर्पस ये है, स्टैक के मदद से हम आसानी से कोई भी स्ट्रिंग का रिवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और वंस अगर हमें एक स्ट्रिंग का रिवर्स मिल जाता है फिर हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। अगर दोनों स्ट्रिंग्स बराबर है मतलब ऑब्वियसली पैलिंड्रोम है, क्योंकि अगर सी मैंने नमन वाले एग्जांपल को दिखाया, मैंने एन से पूरा पुश करना शुरू किया एन तलक, फिर मैंने उन सबको पॉप करवा के कॉन्केटिनेट किया। अब आप ये मत समझना कि ये बिल्कुल इसी के ऑर्डर में है, पर ये वाला जो एन था ये बेसिकली ये लास्ट वाला था, फिर ये वाला ए, फिर ये वाला एम, फिर ये वाला ए और फिर ये वाला एन। सो ये बेसिकली ये जो स्ट्रिंग है इसका क्या है, रिवर्स है। और दोनों ही मतलब ओरिजिनल स्ट्रिंग और रिवर्स स्ट्रिंग दोनों एकदम बराबर है, कंपेयर करेंगे हम अगर ये दोनों इक्वल है मतलब हमारा जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है, अदरवाइज नहीं है। सो नाउ लेट्स सी द एग्जांपल नंबर टू। अब ये जो स्ट्रिंग है ये पैलिंड्रोम है या नहीं अगेन हम ये चेक करेंगे। सो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, सेम वही रूल, हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर से ट्रैवर्स करेंगे और उसे स्टैक में पुश करते जाएंगे। ये जो है ये पहले से टॉप नहीं रहेगा, ये प्रीवियस एग्जांपल का था। सो पहले एस है तो हम पहले एस को पुश करेंगे, फिर उसके बाद में एच आता है तो हम उसे पुश करेंगे, फिर हम वाई आता है तो उसे पुश करेंगे, फिर ए, उसके बाद में फिर एम। ओके नाउ अब हम क्या करेंगे, अभी हमारा जो टॉप ऑफ द स्टैक है वो बेसिकली किसको, कौन से कैरेक्टर को पॉइंट कर रहे हैं, एम को। सो अब हम पॉप मेथड को कॉल करेंगे। सो जब हम पॉप मेथड को कॉल करेंगे सो क्या होगा, स्टैक से ये जो पहला कैरेक्टर एम जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सो अब हम इसे स्टोर करते हैं, मान लीजिए एक स्ट्रिंग है रिवर्स स्ट्रिंग, हम उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं इन सभी को। सो पहले यहाँ से M को मैंने पॉप आउट कराया और उसे यहाँ पे स्टोर किया। सो अब जो टॉप है वो बेसिकली किसको पॉइंट करेगा, ये कैरेक्टर तो अभी हट चुका है। सो अब ये हट चुका है तो अभी जो टॉप कैरेक्टर है वो हमारा क्या है, A।
अब मैंने अगेन पॉप मेथड को कॉल किया, सो क्या होगा, ए जो है वो पॉप आउट हो जाएगा। अब मैं उसको ये पहले जो मेरा एम था उसके साथ में कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ, अटैच कर दे रहा हूँ। सो अगेन यहाँ पर टॉप जो है वो किसको अभी पॉइंट करेगा, वाई को, क्योंकि अभी स्टैक में ए भी नहीं है। ओके सो इसी तरीके से अगेन अब मैं पॉप मेथड को कॉल करूँगा, सो वाई जो है वो स्टैक से क्या हो जाएगा, पॉप आउट होएगा, क्योंकि हमेशा पॉप कौन सा एलिमेंट होता है जो स्टैक का टॉप होता है। सो वाई जो है वो पॉप आउट होएगा और अगेन मैं उसे रिवर्स के साथ क्या कर दूँगा, कॉन्केटिनेट कर दूँगा। सो अगेन यहाँ पर जो टॉप है वो बेसिकली क्या बन जाएगा, सेकेंड लास्ट यानी एच, और ये जो वाई है ये भी स्टैक से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सो अगेन अब मैं जब पॉप मेथड को कॉल करूँगा, सो ये एच यहाँ से निकलेगा और अब मैं इसे अगेन ये जो रिवर्स स्ट्रिंग है उसके साथ कॉन्केटिनेट कर दूँगा और ये टॉप फिर से अपडेट हो जाएगा और अब ये लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। सो अब जब मैं फिर से पॉप मेथड को कॉल करूँगा, सो क्या होएगा, ये जो लास्ट कैरेक्टर है ये भी पॉप आउट हो जाएगा और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब टॉप का कोई सवाल नहीं उठता क्योंकि हमारा स्टैक ही पूरा क्या हो चुका है, एम्प्टी हो चुका है। सो बेसिकली इस तरीके से मुझे क्या मिला, मुझे जो स्ट्रिंग था श्याम, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग था, उसका मुझे रिवर्स मिला। तो स्टैक बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, रिवर्स फाइंड आउट कर रहा है, ये नहीं एक्चुअली चेक कर रहा है कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। एक बार हमें रिवर्स स्ट्रिंग मिल जाता है स्टैक के मदद से, तो हम इन दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करते हैं। अगर ये दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल है, मतलब हमारा जो स्ट्रिंग है ये क्या है, पैलिंड्रोम है। अगर ये दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल नहीं है तो स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम नहीं है। अभी मैंने आपको जैसे सिखाया है हम लोग कोडिंग में भी बिल्कुल वैसे ही इंप्लीमेंट करने वाले, बिल्कुल सेम लॉजिक है। सो अगर आप कोड का पूरा पार्ट देखते हैं सो आप रिलेट कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स मूव टू द कोडिंग पार्ट। सो एज यू कैन सी, अब हम हमारे पाइथन के स्टैंडर्ड आईडीएली में आ चुके हैं और यहाँ मैं भी ये चेक करूँगा कि एक स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है या नहीं, बट विद द हेल्प ऑफ स्टैक। सो क्योंकि मुझे यहाँ स्टैक यूज़ करना है ये चेक करने के लिए कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं, इसके लिए रिक्वायर्ड है कि मैं जो स्टैक का मैंने जो क्लास बनाया था या स्टैक का मैंने जो कोड लिखा था वो मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ। स्टैक का, स्टैक एडिटी का जो डेफिनेशन था, जो हमने क्लास बना के स्टैक एडिटी के मेथड्स लिखे थे, वो हमें यहाँ पर भी रिक्वायर्ड होंगे। सो इसलिए यहाँ पर मैं उसे पेस्ट करूँगा। सो मैंने स्टैक क्लास के कोड को ऑलरेडी कॉपी करके रखा है, सो आई विल सिंपली पेस्ट इट। सो यहाँ पर क्लास का नाम माई स्टैक है और हम यहाँ पर स्टैक को एज अ लिस्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हमारे स्टैक का नाम सेल्फ डॉट आइटम्स है। लेंथ मेथड बेसिकली हमें स्टैक का लेंथ रिटर्न करेगा। इज एम्प्टी हमें ये बताएगा कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। इज एम्प्टी मेथड का रिजल्ट इधर ट्रू या फॉल्स होगा। ट्रू तब होगा जब स्टैक में कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे, कोई भी आइटम्स नहीं होंगे, और फॉल्स तब होगा जब स्टैक के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे। शो मेथड हमें बेसिकली ये बताएगा कि स्टैक के एलिमेंट्स कौन से हैं, यानी हमें स्टैक के एलिमेंट्स को शो करेगा। नाउ यहाँ जो पुश और पॉप मेथड है ये काफ़ी सिग्निफिकेंटली यूज़ होने वाले हैं यहाँ पैलिंड्रोम चेक करते वक्त भी। सो ये दोनों मेथड्स क्या कर रहे हैं बेसिकली, तो पुश मेथड एज वी नो क्या कर रहा है, एलिमेंट को पुश कर रहा है स्टैक में, यानी स्टैक में ऐड कर रहा है, और पॉप मेथड जो है वो एलिमेंट को स्टैक से रिमूव कर रहा है। ना पहले हम फाइल को सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस, कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं देता हूँ पैलिंड्रोम चेक, क्योंकि हम यहाँ पैलिंड्रोम चेक करने वाले हैं कि एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। सो लेट्स सेव इट। नाउ फाइल सेव हो चुका है, अब हम बेसिकली एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जो कि स्ट्रिंग का रिवर्स फाइंड आउट करेगा, बट विद द हेल्प ऑफ स्टैक। अब ये जो फंक्शन है इसे हम स्टैक क्लास के अंदर नहीं लिखने वाले हैं, इसे हम स्टैक क्लास के बाहर लिखेंगे। सो पहले हम स्टैक क्लास जो है उससे बाहर आ जाते हैं। सो बैकस्पेस, अब हम बिल्कुल क्लास से बाहर हैं। सो अब हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जो कि बेसिकली क्या करेगा, स्ट्रिंग का रिवर्स कैलकुलेट करेगा। डेफ, फंक्शन का नाम से मैं दे रहा हूँ रिवर्स। यहाँ पैरामीटर्स में हम सिंपली यहाँ पर क्या पास करने वाले हैं, स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग को हमें रिवर्स करना है वो। सो उसको मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ एस। यहाँ पर मुझे सेल्फ नहीं पास करना है क्योंकि यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये क्लास के अंदर नहीं है। अगर ये क्लास के अंदर होता सो मुझे यहाँ पर सेल्फ सेल डॉट आइटम्स जो है उसे एक्सेस करने की ज़रूरत होती, इसलिए मैं सेल्फ पास करता, पर यहाँ क्लास के अंदर नहीं है तो सेल्फ पास करने का क्वेश्चन ही नहीं आता। तो सिंपली आई विल गिव कोलन एंड प्रेस एंटर। नाउ वी विल सेव द फाइल। अब
क्योंकि हमें स्टैक क्लास के मेथड्स यूज़ करने हैं, तो पहले हम यहाँ इस फंक्शन के अंदर ही स्टैक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, माई स्टैक क्लास का जो है एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सो ऑब्जेक्ट का नाम से मैं ले लेता हूँ स्टैक। सो स्टैक इज इक्वल्स टू जो हमारा क्लास है माई स्टैक, माई स्टैक। नाउ माई स्टैक क्लास के इनिट मेथड में आप देख सकते हैं कि सेल्फ को छोड़ के और कोई भी वैल्यूज़ नहीं है, सो इसलिए यहाँ पर भी हमें कोई भी वैल्यूज़ पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो जस्ट इतने में ही हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो जाएगा। नाउ जिस तरह से हमने देखा था बोर्ड में सॉल्व करते वक्त कि हम स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को स्टैक में ऐड कर रहे हैं, अब यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरीके से हमने रिवर्स मेथड को जो स्ट्रिंग पास किया है एस, इसके अंदर के हर एक कैरेक्टर को हम क्या करेंगे स्टैक के अंदर ऐड करेंगे। सो इसके लिए हम ये जो स्टैक ऑब्जेक्ट है उसके हेल्प से ये जो पुश मेथड है इसको कॉल करेंगे और एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे। सो पहले हम फॉर लूप लगाते हैं। सो फॉर आई इन एस, सो यहाँ पर ये फॉर लूप में ये आई क्या डिनोट कर रहा है, स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर को वो डिनोट कर रहा है। सो हमें सिंपली क्या करना है, हर एक कैरेक्टर आई को हमें क्या करना है स्टैक के अंदर ऐड करना है, सो स्टैक के अंदर पुश करना है। सो विल सिंपली स्टैक ऑब्जेक्ट जो है स्टैक डॉट पुश आई। सो यहाँ पे होगा क्या कि फॉर आई मतलब हर एक कैरेक्टर इन स्ट्रिंग एस, तो स्ट्रिंग एस के हर एक कैरेक्टर को हम सिंपली क्या कर रहे हैं स्टैक के अंदर पुश कर रहे हैं। नाउ स्टैक के अंदर एलिमेंट्स यानी स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स है वो ऐड हो जाने के बाद अब हमें रिवर्स फाइंड आउट करना है। सो रिवर्स को स्टोर करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं एक स्ट्रिंग बनाते हैं जो कि सिंपली हमारा रिवर्स स्ट्रिंग जो है वो उसे स्टोर करेगा। सो कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, मैं देता हूँ रिवर्स्ड स्ट्रिंग इज़ इक्वल्स टू डबल कोट्स। सो ये बेसिकली सिंपली एक रिवर्स स्ट्रिंग का मतलब एक स्ट्रिंग है जो हमारा रिवर्स जो है उसे स्टोर करेगा एज वी प्रोसीड कैलकुलेटिंग द रिवर्स। सो अब हम स्टैक के एलिमेंट्स को पॉप करवाना स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे एलिमेंट्स पॉप होंगे वैसे वैसे हम उन्हें ये जो रिवर्स स्ट्रिंग है उसके अंदर ऐड करते करते जाएंगे और फाइनली एट द एंड जब सारे एलिमेंट्स पॉप हो जाएंगे तब हमें फाइनली हमारा जो रिवर्स स्ट्रिंग है वो भी हमें मिल जाएगा। सो पॉप तो करना है पर कब तक करना है, जब तक कि हम स्टैक के ज़ीरोथ पोजीशन में ना पहुंच जाए। वंस वी रीच द ज़ीरोथ पोजीशन आइटम पॉप होना चाहिए और फिर पॉपिंग बंद होना चाहिए, यानी हमें एक काउंटर भी रखना होगा। सो लेट्स से कि हम एक लेंथ ऑफ स्टैक हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं से एल। L इज इक्वल्स टू स्टैक का हमें लेंथ चाहिए तो हम माई स्टैक क्लास के लेंथ मेथड को कॉल करेंगे यूजिंग ऑब्जेक्ट स्टैक। सो स्टैक डॉट लेंथ, सो हमारे पास अभी स्टैक का लेंथ जो है वो ये जो वेरिएबल है L इसके अंदर स्टोर्ड है। सो इनिशियली आपको मालूम है कि स्टैक में पॉपिंग जो है शुरू होता है टॉप से, सो इनिशियली हमें टॉप वाला जो एलिमेंट है उसे ही पॉप करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो पॉप मेथड है वो टॉप के ही एलिमेंट को ही पॉप करेगा। सो जब पॉपिंग स्टार्ट होगा उस वक्त हमारा जो वैल्यू है या हमारा जो इंडेक्स है वो क्या होगा, लेंथ से एक कम होगा क्योंकि लेंथ हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देता है और इंडेक्स जो है वो ज़ीरो से काउंटिंग स्टार्ट करता है, इसलिए हमेशा जो भी स्टैक का लेंथ होगा टॉप वैल्यू का इंडेक्स उससे एक कम होगा। सो हमें यहाँ टॉप वैल्यू का इंडेक्स चाहिए क्योंकि हम काउंटर सेट कर रहे हैं, हम हर स्टेप में जब हम पॉप करेंगे वैसे वैसे एक एक वैल्यू जो है वो इंडेक्स का उसे कम करते करते जाएंगे और फाइनली जब हम ज़ीरो में आएंगे तब हम बोलेंगे कि ज़ीरो से कम होने के बाद कि ठीक है अब हम ज़ीरो रीच हो चुके हैं उसके आगे अब हमें पॉपिंग नहीं करना है। सो मैं टॉप एलिमेंट का जो इंडेक्स है जो कि लेंथ से कम होगा उसे मैं एक वेरिएबल से के में स्टोर कर देता हूँ। सो इट विल बी एल माइनस वन, बराबर। सो अब हम पॉपिंग स्टार्ट करेंगे वाइल लूप लगा के और एवरी टाइम जब हम एलिमेंट को पॉप करेंगे सो हम ये के का वैल्यू को क्या करेंगे एक एक कम करेंगे, यानी एक एक एलिमेंट पॉप होते होते जा रहा है निकलते जा रहा है तो टॉप एलिमेंट का इंडेक्स जो है वो भी क्या होते होते जाएगा कम होते होते जाएगा एंड फाइनली जब के का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा तब हमें क्या करना है स्टॉप करना है, या के का वैल्यू ज़ीरो जब होगा तब नहीं स्टॉप करना है, ज़ीरो के बाद यानी अगर जब ज़ीरो से कम हो जाएगा तब हमें क्या करना है स्टॉप करना है। सो लेट्स डिफाइन द लूप। सो हम यहाँ पे वाइल लूप लगाएंगे, आप चाहे तो कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं।
सो वाइल, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है मेरा कि जब तक के का वैल्यू जो है वो ज़ीरो या ज़ीरो से ज़्यादा है तब तक ये लूप जो है वो रन होना चाहिए, बराबर। सो वाइल के इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि स्टैक का सबसे जो लोएस्ट एलिमेंट, एकदम नीचे जो एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स क्या होगा, ज़ीरो। सो वो एलिमेंट भी हमें पॉप कराना है, हमें स्टैक को पूरा खाली करना है। सो वंस ज़ीरोथ पोजीशन भी, मतलब के का वैल्यू ज़ीरो हो गया, तभी भी आपको ये लूप रन होना चाहिए। वंस ज़ीरो से नीचे हुआ के का वैल्यू, माइनस में चला गया, तब ये लूप जो है वो रन नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे कंडीशन है कि के का वैल्यू शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो। के का वैल्यू कुछ भी हो, अगर वो ज़ीरो हो, वन हो, टू हो, थ्री हो, कुछ भी हो, रन करना चाहिए। अगर वो निगेटिव में जाता है, ज़ीरो से कम होता है, सो यहाँ पे ये लूप टर्मिनेट होना चाहिए। सो व्हाइल के इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, हमें क्या करना है, हमें स्टैक से एलिमेंट को पॉप करना है। तो स्टैक ऑब्जेक्ट, स्टैक का जो ऑब्जेक्ट है स्टैक डॉट पॉप हम कॉल करेंगे। सो ये एलिमेंट पॉप तो होएगा, पर इस एल पॉप्ड एलिमेंट को भी हम किसके साथ ऐड करेंगे, किसके साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे, रिवर्स स्ट्रिंग के साथ हम क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेट करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर जो भी एलिमेंट पॉप हुआ होगा उसे हम क्या करेंगे, रिवर्स स्ट्रिंग के साथ अटैच कर देंगे। सो रिवर्स्ड स्ट्रिंग। नाउ अब ये जो रिवर्स स्ट्रिंग, जो कि पहले से जितना भी हो उसके अंदर कुछ भी वैल्यूज़ हो, उसके साथ हमने अभी पॉप्ड एलिमेंट को हमने अटैच किया, और ये जो रिज़ल्ट होगा, ये दोनों का कॉन्केटिनेशन का भी जो रिज़ल्ट होगा वो अब हमारा नया रिवर्स स्ट्रिंग होगा। सो इसे हम किस में स्टोर करेंगे, फिर से रिवर्स स्ट्रिंग में ही स्टोर करेंगे। मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली समझा दूंगा ताकि आपको ये बेटर समझ में आए, इंक्लूडिंग द लूपिंग आर्किटेक्चर। नाउ अब हमने एलिमेंट को पॉप किया है, सो हमें के का वैल्यू को भी क्या करना होगा, एक कम करना होगा, क्योंकि अभी ऊपर का एलिमेंट निकल चुका है। सो अभी हमारा जो टॉप एलिमेंट का इंडेक्स है वो एक कम होगा। सो के इज इक्वल्स टू के माइनस वन, हमारा काउंटर भी क्या हुआ, एक कम हुआ। सो लूप के अंदर आपको इतना ही लिखना है। सो जब ये लूप कंप्लीट होगा, फाइनली जब ये ज़ीरो पे पहुंचेगा, तब ज़ीरो माइनस वन मतलब के का वैल्यू आपका यहाँ पे क्या पे हो जाए, क्या हो जाएगा। सो जब के का वैल्यू ज़ीरो होगा तो ज़ीरो माइनस वन, तो k का वैल्यू हो जाएगा माइनस वन, और यहाँ पर ये जो while लूप का कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि k का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, और वंस k का वैल्यू निगेटिव आया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, और यहीं पर लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। और जब तलक लूप का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब तलक हम क्या करेंगे, स्टैक के जो जो टॉप एलिमेंट्स हैं उन्हें पॉप करेंगे, और उन्हें रिवर्स स्ट्रिंग के साथ अटैच करके नया रिवर्स स्ट्रिंग बनाएंगे, यानी रिवर्स स्ट्रिंग जो है वो अपडेट होता रहेगा हर इटरेशन में। सो अब हम लूप के बाहर आ जाते हैं। सो जब लूप कम्प्लीटली टर्मिनेट होगा तब तक, तब यहाँ पर ये जो रिवर्स स्ट्रिंग का जो वैल्यू होगा वो एक्चुअली क्या होगा, उस वक्त तक रिवर्स स्ट्रिंग के अंदर आपका जो ये स्ट्रिंग एस था उसका कम्प्लीटली रिवर्स ऑर्डर जो है, रिवर्स ऑर्डर में पूरा जो स्ट्रिंग है वो स्टोर हो गया होगा। सो अब हमें ये मेथड जो है वो सिंपली क्या कर देगा, वो जो रिवर्स स्ट्रिंग है उसे वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। सो रिटर्न रिवर्स्ड स्ट्रिंग। दैट्स इट, फाइल को हम सेव कर देते हैं। अब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं और उसका रिवर्स कैलकुलेट करते हैं यूजिंग दिस फंक्शन रिवर्स, और फिर चेक करते हैं कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। अगर रिवर्स स्ट्रिंग का, जो भी स्ट्रिंग यूज़र एंटर करेगा वो स्ट्रिंग का रिवर्स ऑर्डर और वो स्ट्रिंग, अगर वो दोनों बराबर हैं तो हमारा जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है, अदरवाइज नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो से मैं यूज़र के इनपुट को एक वेरिएबल नेम में स्टोर कर देता हूँ। सो नेम इज़ इक्वल्स टू इनपुट, इनपुट फंक्शन हम यूज़ करते हैं पाइथन में इनपुट लेने के लिए। इनपुट, यहाँ पे हम यूज़र को बोलेंगे एंटर द स्ट्रिंग, एंटर द स्ट्रिंग। सो यहाँ पे क्या होगा, सो ये डिस्प्ले होके आएगा शेल में, एंटर द स्ट्रिंग जो है ये शेल में आपको डिस्प्ले होके आएगा, और जब भी और यहाँ पे यूज़र को अलाउ करेगा शेल की कुछ वैल्यू वो एंटर करे, और जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो वैल्यू जो है ये यहाँ नेम के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगा। सो अब हम यूज़र को दोनों ही दिखा देते हैं, ओरिजिनल स्ट्रिंग एज वेल एज द रिवर्स स्ट्रिंग। सो प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे उसके लिए, प्रिंट ओरिजिनल स्ट्रिंग, ओरिजिनल स्ट्रिंग विल बी व्हाट, हमने ओरिजिनल स्ट्रिंग को कहाँ स्टोर किया है, नेम में। सो यहाँ पे नेम आएगा। अब हम रिवर्स स्ट्रिंग भी बताना है यूज़र को। सो प्रिंट रिवर्स्ड स्ट्रिंग,
reversed string which will be equals to, अभी हमें ये जो स्ट्रिंग है नेम इसका हमें रिवर्स जानना है, सो हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो स्ट्रिंग नेम है इसे हम किससे पास कर देंगे, यस रिवर्स मेथड को हम पास कर देंगे, सो ये हमें क्या दे देगा, इसका रिवर्स ऑर्डर दे देगा, सो रिवर्स ऑफ नेम। सो यूज़र को यहाँ पर दोनों ओरिजिनल एज वेल एज रिवर्स स्ट्रिंग दोनों दिख जाएंगे। अब हमें एक मैसेज प्रिंट कराना है कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं, सो इसके लिए हमें कंडीशन चेक करना होगा कि नेम और रिवर्स ऑफ नेम दोनों बराबर हैं या नहीं। सो लेट्स डू दैट। सो इफ़ आपका जो नेम है मतलब जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है, इफ दैट इज इक्वल्स टू रिवर्स ऑफ नेम, रिवर्स ऑफ नेम यानी ओरिजिनल स्ट्रिंग और उसका रिवर्स अगर दोनों बराबर है, यहाँ पर नेम इज़ द ओरिजिनल स्ट्रिंग दैट इज़ बीन एंटर्ड बाय द यूज़र, यूज़र ने जो भी स्ट्रिंग एंटर किया है वो नेम है, और उस स्ट्रिंग का रिवर्स जो है वो क्या है, रिवर्स ऑफ नेम, उसी नेम को जब हम रिवर्स मेथड को पास कर दे रहे हैं तो हमें यहाँ पे कौन सा स्ट्रिंग मिलेगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि रिवर्स मेथड जो है वो रिवर्स स्ट्रिंग रिटर्न करता है। सो यहाँ पर जब हम रिवर्स ऑफ नेम कॉल करेंगे सो बेसिकली हमें वो एक रिवर्स स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। सो हम यहाँ पे यही देख रहे हैं कि नेम और रिवर्स ऑफ नेम दोनों इक्वल है या नहीं, अगर वो दोनों इक्वल है, अगर वो दोनों इक्वल है सो डेफिनेटली हमारा जो स्ट्रिंग है वो क्या है, पैलिंड्रोम है। सो मैसेज प्रिंट कर देंगे कि प्रिंट एंटर्ड स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, या आप चाहे तो स्ट्रिंग का नाम भी दे सकते हैं। सो मैं स्ट्रिंग का नाम दे देता हूँ, स्ट्रिंग का नाम क्या है, नेम, यानी यूज़र ने जो भी स्ट्रिंग एंटर किया था उसे हमने क्योंकि नेम में स्टोर किया है सो हमें अगर वो स्ट्रिंग दिखाना है सो हम नेम यूज़ करेंगे। सो नेम यानी ये जो स्ट्रिंग है वो क्या है, पैलिंड्रोम है, इस पैलिंड्रोम, दैट्स इट। अब अगर नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं आते, नेम और उसका रिवर्स जो है अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं सो हम क्या करेंगे, हम मैसेज प्रिंट कर देंगे कि name is not palindrome, so I will simply copy paste it, rule b, so name is not palindrome, file को हम save कर देते हैं। so अब हम shell को भी open कर लेते हैं, so यहाँ पे python shell open हो चुका है, so अब हम हमारा ये जो code है पैलिंड्रोम चेकिंग यूजिंग स्टैक इसे रन करते हैं। सो फाइल ऑलरेडी सेव्ड है, सो F5, सो या यहाँ पर आ चुका है एंटर द स्ट्रिंग, यूज़र से इनपुट मांगा जा रहा है कि आप स्ट्रिंग को एंटर करो। सो मैं कोई भी एक स्ट्रिंग दे देता हूँ से लिरिल, नाउ एज यू कैन सी द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, लिरिल का अगर आप उल्टा करते हैं रिवर्स करते हैं तो आपको लिरिल ही मिलेगा, सो ये पैलिंड्रोम है। अब देखते हैं कि प्रोग्राम हमें क्या आउटपुट दे रहा है, सो यहाँ पे हमें एरर आया है, नाउ सी यहाँ पर एरर क्या आ रहा है, टाइप एरर है, कैन ओनली कॉन्केटिनेट str नॉट नन टाइप टू str, सो यहाँ कॉन्केटिनेशन यहाँ पर हो रहा है। सो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ये जो रिवर्स स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग है इसके साथ में हम इसे कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, स्टैक डॉट पॉप को हम कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये जो स्टैक डॉट पॉप है ये नन टाइप का है। नन टाइप का क्यों है, तो ये सी ये जो पॉप मेथड है ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, सो इसीलिए इसका ये जो टाइप है स्टैक डॉट पॉप मेथड को जब हम कॉल करते हैं सो ये क्योंकि ये कोई भी स्ट्रिंग या कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है सो इसका टाइप मान के चल रहे हैं कि नन टाइप है, यानी नलेबल वैल्यूज़ है। सो और इनका ये कहना है यानी पाइथन इंटरप्रेटर के हिसाब से कि हम नलेबल को स्ट्रिंग में कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसे कास्ट करना होगा, इसे str में कास्ट करना होगा, स्ट्रिंग में कास्ट करना होगा। सो आई विल सिंपली पास str और यहाँ पर ये हो जाएगा सी, दैट्स इट। सो अब ये कॉन्केटिनेटेड, अब यहाँ पे मैंने कास्ट कर दिया है, अब कॉन्केटिनेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो लेट्स सेव द फाइल एंड रन इट, सो अगेन रन हुआ, एंटर द स्ट्रिंग, सो से लिरिल, अगेन एरर, नेम रिजर्व्ड स्ट्रिंग, सो कहीं लिखने में मिस्टेक हुआ है, यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट में लिखने में मिस्टेक हुआ है, रिवर्स स्ट्रिंग की जगह मैंने रिजर्व्ड स्ट्रिंग लिख दिया है, सो आई हैव टू रिमूव।
सो आपको भी ये चीज़ का ध्यान रखना है, कहीं पर भी नेमिंग मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए. रिवर्स स्ट्रिंग, रिवर्स स्ट्रिंग. लेट्स सेव द फाइल, अगेन रन इट. सो एंटर द स्ट्रिंग अगेन लिरिल. यस फाइनली. सो नाउ सी, ओरिजिनल स्ट्रिंग जो मैंने एंटर किया था वो लिरिल है. इसका यहाँ पर है, ओरिजिनल स्ट्रिंग इज लिरिल. रिवर्स स्ट्रिंग यहाँ पे नन आ रहा है. ओके सो गाइस, एज यू कैन सी यहाँ पर रिवर्स स्ट्रिंग में बार बार नन 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 आ रहा है. सो इसका मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम है, और यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे कास्टिंग का नहीं था. प्रॉब्लम जो है यहाँ पर पॉप मेथड में है. सो पॉप मेथड जब आइटम को रिमूव कर रहा है, वो सिंपली पॉप कर दे रहा है, वो उसे रिटर्न नहीं कर रहा है. और क्योंकि वो आइटम को रिटर्न नहीं कर रहा है, सो यहाँ पर वो आइटम जो है वो कॉन्केटिनेट नहीं हो सकता. और मैंने str दे दिया, इसके चलते जो नन है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आके नन 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 कॉन्केटिनेट हो गया. बट मुझे वैल्यूज़ चाहिए, सो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिटर्न लिखूँगा. सो रिटर्न सेल्फ डॉट आइटम्स डॉट पॉप, यानी जो भी आइटम्स सब पॉप होंगे वो रिटर्न होगा. जो भी कॉलिंग फंक्शन होगा, जो भी इसे कॉल कर रहा होगा पॉप मेथड को, वहाँ पे ये रिटर्न होगा. सो अब यहाँ पर हमें ये कॉन्केटिनेशन करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है. या नाउ लेट्स सेव द फाइल. होप इस बार ये सही से रन हो. F5 एंटर द स्ट्रिंग लिरिल. यस सो ओरिजिनल स्ट्रिंग इज लिरिल. Reverse string is also literal, and you can see original string or reverse string दोनों exactly same है. So yes, literal is palindrome. Now अब अगर आप लोगों को reverse method में doubt है, so मैं आप लोगों को diagrammatically shortly समझा देता हूँ फिर से, क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पर loops को समझने में issue हो सकता है. सो नाउ सी, रिवर्स मेथड के बारे में हमें यहाँ बता रहा हूँ. सो पहले हम क्या कर रहे हैं, स्टैक को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं इस लाइन के थ्रू. नाउ फॉर आई इन एस स्टैक डॉट पुश आई. सो अब यहाँ पे मैं देखिए स्ट्रिंग क्या दिया हुआ है. मान लीजिए कि जो स्ट्रिंग यहाँ पे रिवर्स मेथड को जो स्ट्रिंग एस पास हुआ है वो है लिरिल. सो अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तो आई इन एस मतलब ये स्ट्रिंग के अंदर के हर एक कैरेक्टर, जैसे एल हुआ, आई हुआ, आर हुआ, आई हुआ, एल हुआ, इन सभी कैरेक्टर्स को हम क्या कर रहे हैं, स्टैक डॉट पुश आई मतलब स्टैक में क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं. सो पहले आई का वैल्यू क्या होगा, एल होगा. सो वो पहले एकदम बिलो मतलब पहले वाले पोजीशन में यानी जीरोथ इंडेक्स में पास होगा. फिर उसके बाद में आई का वैल्यू क्या होगा, आई होगा. सो वो आई पास होगा. फिर आई का वैल्यू आर होगा, सो आर पास होगा. स्टैक के अंदर सब ऐड होते होते जाएंगे. फिर उसके बाद में अगेन आई का वैल्यू जो है वो आई होगा, सो यहाँ पे आई ऐड होगा. और फाइनली लास्ट में आई का वैल्यू जो है वो एल होगा, सो यहाँ पे एल ऐड हो जाएगा. सो स्टैक के अंदर सारे एलिमेंट्स जो हैं वो पुश्ड अप हो जाएंगे, यानी ऐड हो जाएंगे. नाउ अब हमें रिवर्स स्ट्रिंग कैलकुलेट करना है. सो ये लाइन बेसिकली वही डिनोट कर रहा है. सो यहाँ पर भी देख सकते हैं हमारा ये जो रिवर्स स्ट्रिंग है, मैं पहले से इसको रखा हूँ, खाली ही रखा हूँ, एम्प्टी रखा हूँ. जैसे जैसे हम लूप करेंगे वैसे वैसे मैं इसके अंदर एलिमेंट्स को पॉप करते, एलिमेंट्स को स्टैक में से पॉप करके इसमें ऐड करते जाऊँगा, तब कि आपको बेटर समझ में आए. ना उससे पहले एक और चीज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टैक का जो लेंथ है वो कितना है, 5, क्योंकि 5 एलिमेंट्स है स्टैक में. 1, 2, 3, 4, 5 5 एलिमेंट्स भले ही हैं, लेकिन टॉप एलिमेंट यानी जो एलिमेंट पहले पॉप होएगा उसका इंडेक्स क्या है, लेंथ से एक कम. इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे k का वैल्यू l माइनस 1 लिया था, क्योंकि l हमारा स्टैक का लेंथ था, इसलिए हमने k का वैल्यू क्या लिया था, l माइनस 1 लिया था. सो क्योंकि पॉपिंग, अब यहाँ पे k को लेने का पर्पज़ ही ये था कि हमें काउंटर सेट करे. सो कैसे होगा, कैसा इसका वर्किंग है, क्या होगा, अभी हम लोग देखते हैं. सो नाउ सी, इनिशियली k का वैल्यू क्या होने वाला है, 4 होने वाला है. मैं लिख भी देता हूँ. सो यहाँ पर k इज़ इक्वल्स टू क्या होएगा, 4 होएगा. नाउ जैसे अब लूप रन होना स्टार्ट होएगा, तो क्या होएगा, सबसे पहले स्टैक का जो पहला एलिमेंट है स्टैक डॉट पॉप, सो क्या करेगा, ये जो l है टॉप पोजीशन में, फोर्थ पोजीशन में जो l है, इसे क्या कर देगा, वो हटा देगा. सो जब ये हटाएगा, सो यहाँ पर मैं इरेज कर देता हूँ इतने पार्ट को. सो अब ये l जो है ये क्या हो रहा है, स्टैक में से रिमूव हो जा रहा है. सो अब यहाँ पर आप देखिए, जब l रिमूव हो गया, सो अगेन ये l जो है ये स्टैक से पॉप तो हो चुका है, पर किसके साथ जाके ऐड होएगा, रिवर्स स्ट्रिंग के साथ ऐड होएगा. इनिशियली रिवर्स स्ट्रिंग जो है वो खाली है. सो अब खाली स्ट्रिंग प्लस l, तो क्या हो जाएगा, अगेन l ही हो जाएगा, और नया हमारा जो रिवर्स स्ट्रिंग है वो क्या होएगा, l. सो यहाँ पर हम अब हमारे रिवर्स स्ट्रिंग पूरी तरह से, हमारा रिवर्स स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर एक एलिमेंट है, वो है
एल। अब k का वैल्यू जो पहले 4 था अब वो 4 नहीं रहेगा बल्कि अब वो क्या हो जाएगा k माइनस 1, एक कम हो जाएगा। सो अभी k का वैल्यू जो है वो क्या होने वाला है, अब k का वैल्यू हो जाएगा 3। टॉप एलिमेंट अब हमारा थर्ड इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स का जो भी एलिमेंट है वो अब हमारा टॉप एलिमेंट है, इसलिए अब हमारा जो k का वैल्यू है वो होगा 3। नाउ अगेन लूप चलेगा क्योंकि अभी k का वैल्यू 3 है और लूप का कंडीशन क्या है, जब तक कि k का वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा है तब तक लूप चलना चाहिए। पहले k का वैल्यू 4 था इसलिए लूप चला क्योंकि वो 0 से ज़्यादा है। अगेन अभी k का वैल्यू 3 है सो अगेन लूप होएगा। सो लूप रन होएगा तो अगेन सेम वही चीज़, स्टैक से एलिमेंट पॉप होने वाला है। सो अभी यहाँ पर स्टैक से कौन सा एलिमेंट है पॉप होएगा, ऑब्वियसली जो टॉप में है कौन सा है वो आई। सो अगेन यहाँ पर से आई पॉप होएगा और वो किसके साथ कॉन्कैटिनेट होगा, रिवर्स स्ट्रिंग यानी हमारा जो पहले से ये एल था इसके साथ में भी वो आई अटैच होएगा। सो अटैच होने के बाद अब हमारा जो नया रिवर्स स्ट्रिंग है वो क्या बन जाएगा, एल और आई। सो अब यहाँ पर से हम क्या करेंगे, आई को हटा देंगे और रिवर्स स्ट्रिंग में उसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो यहाँ पर अब एल के साथ साथ एक और एलिमेंट हमारा अटैच हो जाएगा, जो अभी आइटम पॉप हुआ है वो रिवर्स स्ट्रिंग के साथ अटैच होएगा, कॉन्कैटिनेट होएगा। सो आई, अब आई तो अटैच हो गया लेकिन अभी के का वैल्यू, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि के का वैल्यू, सो यहाँ पर मैं मार्कर सबको हाईलाइट कर देता हूँ। सो के का वैल्यू हमें क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है। सो अगेन तो यहाँ पर हमारा के का वैल्यू पहले 3 था अब क्या हो जाएगा 2। सो यहाँ पर से इसे हम रिमूव करते हैं और यहाँ पे अभी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो अब हमारा जो टॉप एलिमेंट है उसका इंडेक्स यहाँ पे क्या है, 2 है। टॉप एलिमेंट का इंडेक्स जो है हमारा यहाँ पर अभी क्या है, 2 है। मार्कर या सो अगेन अब यहाँ पे k का वैल्यू 2 है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभी k का वैल्यू 2 है, सो 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, येस 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो अगेन लूप होएगा, अगेन आपका पहला एलिमेंट यानी जो पॉप सॉरी जो r है वो पॉप आउट होगा और रिवर्स स्ट्रिंग के साथ अटैच होएगा। सो यहाँ पर हम r को स्टैक से पॉप कर देंगे, हटा देंगे और उसे कहाँ अटैच कर देंगे, रिवर्स स्ट्रिंग के साथ अटैच कर देंगे। सो यहाँ पर अभी आ जाएगा आर, ओके नाउ अब k इज इक्वल्स टू k माइनस 1 अगेन कॉल होएगा। सो अभी हमारा जो 2 माइनस 1 यानी k का वैल्यू भी अभी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो k का वैल्यू 1 होएगा। सो हम यहाँ पर से के वैल्यू को अपडेट कर देते हैं और यहाँ पे हम करते हैं 1। यस यहाँ स्टैक का स्ट्रक्चर थोड़ा बिगड़ चुका है सो हम पहले उसे थोड़ा करेक्ट कर देते हैं, यहाँ इरेज कर देते हैं इतने पार्ट को। यस गॉट इरेस्ड और यहाँ पर ये लाइन को भी थोड़ा ठीक कर देते हैं, दैट्स इट। सो अब k का वैल्यू 1 है। सो अगेन यहाँ पर हम वाइल लूप का कंडीशन चेक करेंगे। सो k का वैल्यू 1 है और 1 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सो अगेन आइटम पॉप होएगा और रिवर्स स्ट्रिंग के साथ अटैच होएगा और नया वाला रिवर्स स्ट्रिंग हमारा बनेगा। सो यहाँ पर आइटम अभी कौन सा पॉप होएगा, आई पॉप होएगा और वो रिवर्स स्ट्रिंग के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पर k का वैल्यू 1 और कम हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे k इज इक्वल्स टू k माइनस 1 भी कॉल करेंगे। सो सेम थिंग जो अभी तक हम कर रहे हैं। सो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। सो यहाँ पर से अभी i जो है वो पॉप हो जाएगा और यहाँ पर k का वैल्यू भी अभी 1 नहीं रहेगा। सो अब k का वैल्यू जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यहाँ पर जो i पॉप हुआ है अब वो रिवर्स स्ट्रिंग के साथ अटैच होके एक नया रिवर्स स्ट्रिंग बनेगा जो कि है एल आई आर आई। ओके सो नाउ अगेन अभी k का वैल्यू 0 है सो हम फिर से लूप का कंडीशन चेक करेंगे।
सो लूप का कंडीशन, अभी के का वैल्यू जीरो है पर कंडीशन क्या कह रहा है कि के का वैल्यू अगर ग्रेटर या इक्वल टू जीरो है, अभी के का वैल्यू इक्वल टू जीरो है तो अगेन कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। सो अगेन यहाँ से स्टैक से पॉप होएगा आइटम। सो कौन सा आइटम पॉप होएगा? ऑब्वियसली जो लास्ट हमारा जो एल है वो पॉप होएगा क्योंकि अभी वही बचा है। सो अगेन ये पॉप होएगा और किसके साथ? रिवर्स स्ट्रिंग के साथ अटैच होएगा और नया रिवर्स स्ट्रिंग बनेगा और साथ में के का वैल्यू भी एक कम होगा। सो अब यहाँ पर से ये वाले एलिमेंट को भी हम हटा देंगे क्योंकि ये भी पॉप हो जाएगा और रिवर्स स्ट्रिंग के साथ जाके अटैच हो जाएगा। सो यहाँ पर भी अभी के का वैल्यू ज़ीरो नहीं रहेगा, एक कम हो जाएगा। सो अब यहाँ पर एल आई आर आई के साथ अब यहाँ पे एल आ जाएगा जो अभी पॉप हुआ है वो अटैच हो गया रिवर्स स्ट्रिंग के साथ। और अभी के का वैल्यू ज़ीरो था तो ज़ीरो माइनस वन, अभी के का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस वन हो जाएगा। अब अगर हम कंडीशन चेक करते हैं, सो यहाँ पर के का वैल्यू जो है अभी माइनस वन है तो क्या माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है? आंसर इज़ नो। सो अब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सो अब हमें लूप से लूप टर्मिनेट हो जाएगा और अब हमें लूप से बाहर आना है और हमें सिंपली जो हमारा रिवर्स स्ट्रिंग जो फाइनली लास्ट जो भी अभी हमारा रिवर्स स्ट्रिंग है उससे हमें सिंपली क्या कर देना है? रिटर्न कर देना है। सो मैंने आपको लाइव एग्जांपल देके भी समझाया है जिसे मैंने रन किया है, जिसे मैंने शेल में इनपुट के तौर पे दिया था जो स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग के साथ इंप्लीमेंट करके दिखाया। सो आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। सो आई होप आप लोगों को रिवर्स मेथड का जो वर्किंग है वो समझ में आया होगा। सो रिवर्स मेथड के साथ साथ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एट द एंड जो स्टैक है हमारा वो भी क्या हो जाता है? एम्प्टी हो जाता है और हमारा जो रिवर्स स्ट्रिंग है वो हमें कम्प्लीटली जो स्ट्रिंग था ओरिजिनल स्ट्रिंग था उसे एग्जैक्टली रिवर्स फॉर्मेट में करके रिटर्न करता है। सो दैट्स इट।